नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश उपाध्याय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल अमेजिंग पॉइंट में। दोस्तों आज मैं एक लेके आया हूं रिव्यू आपके लिए, जो कि दोस्तों फोन है Realme GT Neo 3T। दोस्तों वैसे तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग पहले ही कर चुका हूं, लेकिन एक बार और आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर देता हूं। इसमें क्या क्या निकलता है देखते हैं। कुछ ये कागज निकलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले निकला है इसमें ये फोन। दोस्तों दूसरा एक निकलता है कवर, जिसको आप मोबाइल पर लगा सकते हैं और अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको कवर का यूज जरूर करना चाहिए, फ्लैप वाला आप ले सकते हैं तो और अच्छा है। दोस्तों एक निकलता है कमाल का फास्ट चार्जर, दोस्तों बहुत ही कमाल का चार्जर है जिसका नाम है सुपर डार्ट। 80 वाट का है और 35 मिनट में आपकी 5000 mAh बैटरी वाले इस फोन को चार्ज कर देता है। इसके साथ में निकलती है एक टाइप सी बहुत ही अच्छी डाटा केबल, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। दोस्तों आइए इस फोन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और फोन कैसा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज मैं इस सब की आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी जो खास बात है वो है दोस्तों इसका प्रोसेसर। इसका प्रोसेसर है आपका क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही कमाल का प्रोसेसर है। जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं, जैसे कि मान ली Insta360 से आप वीडियो बनाते हों या GoPro से वीडियो बनाते हों या हैवी टाइप की वीडियो बनाते हों, उनकी जो एडिटिंग है वो आप इससे कर सकते हो बड़े ही आसानी से। गेम खेल सकते हो आप बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही स्मूथ मोड में। एक खास बात और है, इसकी जो स्क्रीन है उसका जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो है दोस्तों 120Hz। दोस्तों स्क्रीन रिफ्रेश रेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड में स्क्रीन अपने आप को कितने बार रिफ्रेश करती है वो कहलाती है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। एक ऐसा समझिए जैसे कि जब आप कोई वीडियो बनाते हैं तो कितने फ्रेम पर सेकंड का वो वीडियो बनाते हैं। मान लीजिए आप एक वीडियो बना रहे हैं 60 FPS का और आपका जो फ्रेम रेट है वो 60 FPS है, और मान लीजिए आपका जो इसकी रिफ्रेश रेट है वो भी 60 FPS है तो वो ठीक चलेगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपका जो वीडियो है उसका फ्रेम रेट 120 है और आपका स्क्रीन रेट जो है वो 60 है, तो दोस्तों ये मान लीजिए आप आधा तो उसमें जो आधे फ्रेम होंगे उनको तो आप मिस कर देंगे। अगर आप 120 फ्रेम रेट का कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसका जो मोबाइल का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो 120 होना चाहिए, तब आप पूरी अच्छी तरह से देख पाएंगे। दोस्तों जब आप फ़ोन को यूज करते हो 120 स्क्रीन रिफ्रेश रेट से आप बहुत अच्छी तरह से उसको यूज कर पाएंगे। दोस्तों जैसे आपने अब तक यूज किया होगा तो किस तरह से आपका फ़ोन परफॉर्मेंस करता है, कितनी वो स्मूथली चलता है, इससे डिसाइड होता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। जब आप इसको चलाते हो आप देखेंगे 60 का होगा आपका स्क्रीन रिफ्रेश रेट, यहाँ पर लैगिंग आएगी। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ इसके कैमरे के बारे में। इसका जो कैमरा है ट्रिपल रियर कैमरा आपको पीछे मिलेगा, इसमें एक है आपका 64 MP का कैमरा जो मेन कैमरा है, दूसरा 8 MP का आपका अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और तीसरा है आपका 2 MP का मैक्रो कैमरा है। फ्रंट कैमरे की मैं बात करूँ तो वो मिलेगा आपको 16 MP का, 16 MP का आपको कैमरा मिलेगा जिससे कि आप फोटो ले सकते हो। और बात करूँ कैमरा तो कैमरे से काफ़ी डिसेंट फोटो आ रही है। बात करें इमेज स्टेबलाइजेशन की और वीडियो की, तो दोस्तों आप इसमें वीडियो जो बना सकते हैं वो 4K और 60 FPS पर वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आपको इमेज स्टेबलाइजेशन जो मिलेगा बैक कैमरे से, बात कर रहा हूँ अभी मैं, बैक कैमरे का जो आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगा वो 4K 30 FPS तक मिलेगा। फ्रंट में आपको वीडियो में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों
आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपके मोबाइल में एक ऐप होती है गूगल फोटोज, उसका आप यूज करके इमेज स्टेबलाइजेशन कर सकते हो, यानी अपने वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4K 60 FPS पर आप वीडियो बना सकते हो और गूगल फोटो से इमेज स्टेबलाइजेशन आप कर सकते हो। बैटरी 5000 mAh की बैटरी आती है, अच्छा खासा बैकअप दे देती है, बाकी डिपेंड करती है आपके मोबाइल के यूज़ पर। जैसे कि मान लीजिए आपका स्क्रीन रिफ्रेश रेट कितना है, अगर 120 होगा तो उतनी ही बैटरी ज़्यादा जाएगी, और भी बहुत सारे फीचर उसमें आप ऑन करके रखेंगे जिसको वीडियो जिससे कि आप वीडियो की अच्छी क्वालिटी देख सकें, तो बैटरी आपकी ज़्यादा जाएगी। अगर आप अपने मोबाइल में इस तरह की सेटिंग कर लोगे जिससे कि मोबाइल कम बैटरी यूज करे, तो आपकी बैटरी कम यूज होगी। और मैं अगर इसकी बात करूँ जो सिम पड़ती है उसमें, तो ड्यूअल सिम आप इसमें यूज कर पाओगे, लेकिन आप इसमें मेमोरी कार्ड यूज नहीं कर पाओगे। इस तरह का इसका सिम स्लॉट है, ये देख लीजिए दोनों साइडों में एक ही तरह का है। और एक चीज और, आप इसमें सिर्फ एक ही सिम में 5G का यूज कर पाओगे, ये 5G फोन है लेकिन एक ही सिम में आप 5G का यूज कर पाओगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे नहीं लगती। क्योंकि 5G जब आप डाटा चलाएंगे तो पोस्ट पेड प्लान लेके चलाएंगे अनलिमिटेड वाला, अगर आपको वाकई 5G यूज करना है अच्छी तरह से, तो क्योंकि वैसे तो 4G ही काफ़ी है जो आपका नॉर्मल प्लान होता है उसके लिए, तो दोनों सिमों में जरूरी नहीं है आपका हो, एक सिम से आपका काम चल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी इसके वीडियो के और फोटो के सैंपल में आपको दिखा दूंगा इस तरह से ये फ़ोन परफॉर्मेंस करता है। परफॉर्मेंस में बता दी आपको, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, कैमरे की क्वालिटी डिसेंट है, आप फिल्टर लगा के उसको और इन्हेंस कर सकते हो, यानी कि उसे कलर वगैरह को आप मैनेज कर सकते हो फिल्टर का यूज़ करके। अब बात करूँ ये कितने वेरियंट में आता है, दोस्तों ये 6GB रैम के साथ आता है और 8GB रैम के साथ आता है। अगर रोम की बात करूँ यानी मेमोरी की, तो 128 में आता है और 256GB में आता है। आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, चाहे तो 6GB और 128GB ले सकते हो, या 8GB 128GB ले सकते हो, या 8GB और 256GB ले सकते हो। अब बात करूँ प्राइस की, दोस्तों आप जब नॉर्मल प्राइस चल रही हो उस समय आप इस फ़ोन को न खरीदें, जब भी सेल आती है तब आप इस फ़ोन को खरीदें, क्योंकि सेल में बहुत अंतर हो जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट अगर चल रहा है अभी 32,000 का, तो मैंने लिया था ये 21,000 का। मैं बात कर रहा हूँ 8GB और 128GB वेरिएंट के बारे में, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो जब भी ऑफर आए तब आप इस फ़ोन को खरीदें, क्योंकि इसमें ऑफर आते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये चैनल आपका अपना ही चैनल है। दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ अपने गांव का बम्बा। दोस्तों गांव में तो सभी लोग रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बचपन से हमें पसंद होती हैं। तो दोस्तों बम्बे में हम नहाया करते थे छोटे थे, लेकिन आज दुर्भाग्य से वो बम्बा बंद हो चुका है, यानी कि उसमें पानी नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ वो है कैसा। दोस्तों इस वीडियो को मैंने 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड किया है और गूगल फोटो से मैंने इस वीडियो को स्टेबलाइज किया है।